प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक और मामला ऐसा सामने आया जिसको जानकर और इसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये जान जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिन वादों के सहारे फर्राटे कर रही है वो ये वादे कहीं ना कहीं धूमिल नजर आ रहे हैं, धरातल पर नजर ही नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक और जमीन का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें आम गरीब को मारा गया, पीटा गया, महिलाओं को गाली दी गई और महिलाओं को पीटने में पुलिस आगे रही। ये मामला कहीं और का नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। अगर राजधानी में ये हाल रहेगा तो कहां से आम किसान ग्रामीण स्तर पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। आपको बताते चले, दरअसल ये मामला लखनऊ राजधानी के वृंदावन कॉलोनी का, जहां दलित अनंत राम जैसे अपने परिवार के साथ जैसे तैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अनंत राम मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हैं, उनका इलाज वर्तमान में संचालित है। ऐसे में पारिवारिक विसंगतियों का सामना कर रहे इस परिवार पर एक लखनऊ के ही खुद को अधिवक्ता करार देते हैं ये दयाशंकर तिवारी व उनके साथी मित्रेश तिवारी द्वारा अनंत राम की अवस्था का फायदा उठाते हुए उन्हें इलाज के बहाने ले जाकर इन दो शातिरों ने उनकी जमीन अनंत राम से लिखवाई, यानी कि अनंत राम की जमीन इन दोनों ने लिखवाई। मानसिक रूप से अस्वस्थ अनंत राम को जब यह बात उनके मोहल्ले के द्वारा पता चली, यानी कई दिनों के बाद, यानी कई महीनों के बाद ये बात मालूम पड़ी, जब मुलाकात जारी हुआ तो अनंत राम के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस पर अनंत राम ने अपने 60 वर्ष के अधिक अवस्था में अस्वस्थ बुजुर्गी की हालत उनके चप्पल, जब वो चप्पल घिसे और कोर्ट और आदि का दरवाजा खटखटाया तो डीएम ने सहूलियत देते हुए उनकी अमानत पर आदेश दे दिया कि शांति व्यवस्था इस कारण से सुनिश्चित की जाए कि प्रार्थी के विरुद्ध बैनामा कैंसिलेशन में विपक्षी दयाशंकर तिवारी और मिथिलेश तिवारी को स्थगित मांग के उपरांत सिविल न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं हुआ। अन्यथा इन सारी बातों के बावजूद, लेकिन दयाशंकर और मिथिलेश को जब मालूम पड़ा कि अनंत राम ने चप्पल खिसकर कामयाबी हासिल कर ली है तो उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, यानी टेलीबाग चौकी का सहारा। इन शातिरों ने अपने धल और बल के बूते स्थानीय पुलिस का सहारा लेकर होली के बाद जा पहुंचे उसी प्लाट पर जहां पर अनंत राम का परिवार बैठा था। प्लाट के स्थान पर स्थानीय पुलिस का अनैतिक अमानवीय और असंवैधानिक रूप सामने आया। पुलिस पर अनंत राम की पत्नी व स्थानीय मोहल्ले के लोग पत्नी व उनसे मिलने आई महिलाओं पर जमकर मारपीट करने का की बात स्थानीय मोहल्ले के द्वारा कही गई और पत्नी के द्वारा भी आरोप लगाया। इस बीच स्थानीय मोहल्ले के लोगों द्वारा अगर पूछा जाए तो उनका सीधे पुलिस पर आरोप लगाया गया कि पुलिस महिलाओं के साथ असामाजिक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट कर जमकर हंगामा यहाँ पर काट के, यानी बताया यह भी जा रहा है कि इस घटना में पुलिस की दबंगई वाले रुख का नेतृत्व स्वयं टेलीबाग चौकी प्रभारी कर रहे थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं एंटी भू माफिया और भू माफियाओं का कब्जेदारी का चलन उत्तर प्रदेश में अभी रुका नहीं है, अभी थमा नहीं है और उनका साथ दे रही है प्रशासन का चेहरा भी सामने आ गया, यानी न्यायालय की व्यवस्था और न्यायालय के आदेश का भी पालन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। डीएम ने फरमान जारी किया कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, न्यायालय में प्रक्रिया है तो शांत रहे, लेकिन यहाँ पर दयाशंकर और मिथिलेश शांत नहीं, वो अशांत के साथ साथ अपने धल और बल का प्रयोग भी करते हैं। उनका उतना ही साथ गरीबों का असहायों का साथ देने के बजाय साथ दे रही है पुलिस उनका, जिनका साथ नहीं देना चाहिए। दयाशंकर तिवारी और मिथिलेश तिवारी के साथ खड़ी है स्थानीय पुलिस और अनंत राम जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और व्यवस्था की अवस्था के हिसाब से कमजोर है, उनका साथ नहीं दे। आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में गरीब आम किसान की बात की तरह दबाई है? आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में अनंत राम जैसे पीड़ित अपने आप को शोषित माने? आखिर कब तक इस उत्तर प्रदेश में शांति नहीं बन? हम उपस्थित हैं इस समय लखनऊ के वृंदावन सेक्टर 5 में, यहीं पर हुआ था उन महिलाओं के साथ में वारदात जिन्हें पुलिस ने
यहाँ पर आरोप है महिलाओं का कि पुलिस ने घुस कर और जबरन उनको मारा पीटा और धमकाया भी। उन्होंने कई आरोप और भी लगाए हैं इस जमीन के विवाद पर। जो जमीन आप देख रहे हैं जिस पर लिखा है दयाशंकर तिवारी एडवोकेट, लेकिन माना जाता है कि यहाँ पर खासकर न्यायालय ने इस पर रोक लगाई और दयाशंकर तिवारी का उस न्यायालय की विधिवत व्यवस्था के अनुसार ये जमीन उनकी नहीं है, ये जमीन अनंत राम जी की है जो यहाँ पर उपस्थित हैं। हम बातचीत करेंगे, बातचीत करते हैं अनंत राम से कि आखिर उस दिन जब घटना हुई तो क्या हुआ और उनके साथ ये घटना कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ी। हम अनंत राम जी से बात करते हैं। अनंत राम जी, क्या हुआ था जब ये रजिस्ट्री हुई और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का मसला आपकी जमीन थी, कैसे क्या हुआ कुछ बताएं। वो ये दयाशंकर तिवारी जो है मोहल्ले में आते जाते थे पहले से, तो हम उस समय मेंटल थे, हमारा इलाज चला अनपुर मंजिल से, तो अभी चल भी रहा है हमारा इलाज। तो ये हमको बहाने से ले गए उस समय मेंटल, ये दयाशंकर तिवारी कि चलो हम तुमको कहीं और डॉक्टर को दिखा दें। तो हमने कहा चलो, वो ये हमको ले गए। अब वो हमको ले गए तो एक जगह बैठा दिया। अब हम रास्ता देखते रहे कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। उसके बाद फिर आए, कहाँ यहाँ दस्तखत कर दो, वहाँ दस्तखत कर दो, वहाँ दस्तखत कर दो। हमारी कुछ समझ नहीं आया क्योंकि हमारा प्रतिमाफी नहीं सही था, हमने कर दिया। हमने इनके ऊपर हम फिर एप्लीकेशन लिखा, थाने में दिया, यही बोला। उसके बाद फिर हम CO ऑफिस गए, SSP ऑफिस गए और DM ऑफिस गए। तो वहाँ पर ये DM ने ये लिख दिया, ये था स्थित मतलब उसी तरह बरकरार रखी। और ठीक ठीक, वो ये सारी बातें लगभग साफ है, लेकिन इनमें जो शुरू से लेके आखिर तक आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि दयाशंकर तिवारी और मिथिलेश की जमीन ये नहीं है, उस पर कोर्ट पर न्यायालय उस पर बातचीत कर रहा है, तलब भी कर रहा है। हम बातचीत करते हैं कि उस दिन क्या घटना हुई जब महिलाओं पर यहाँ के स्थानीय चौकी के प्रभारियों ने मिलकर हमला किया, और बातचीत करते हैं उन लोगों से। माता जी, जब आप उपस्थित थी उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ? पहले तो आपका नाम क्या? कमला देवी। क्या हुआ था, कैसे? हम यहाँ आए, आए कि नहीं रहते, दस बारह दस बारह पुलिस कर्मी आए थे। यह सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि तेलीबाग पुलिस किसी बड़े शातिर बदमाश को पकड़ने के लिए गई थी। जरा सोचिए, यदि घटना कोई बड़ी होती तो पुलिस को आने में कितनी समस्या होती है, और आते भी हैं तो घंटों बाद, और आते भी हैं तो संख्या एक दो की होती है। लेकिन यहां तो पूरी पूरी फोर्स ही भरभरा कर आ गई, आम गरीब महिलाओं पर वार करने आ गई, उन्हें डराने और धमकाने आ गई। आगे सुनिए आखिर पुलिस ने यहाँ पर महिलाओं के साथ क्या किया। अंदर घुस गए। कितने पुलिस वाले थे? 10-12 थे, और कुछ सिविल में थे, कुछ ऐसे ही थे। अच्छा, 10-12 पुलिस। हाँ, अंदर घुस गए थे। अंदर घुस गए थे तो क्या कर रहे थे? फिर सामान मेरा उठा के सारा फेंक दिया, इन लोगों के ऊपर कुछ मारा था। अच्छा, आप कौन है, क्या नाम है आपका? हमारा क्या नाम है? सोनी बदासा। कहाँ पर रहती है? यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आए तो होली मिली इनसे। तो उस दिन होली मिलने आई, क्या हुआ, कैसे गया? हुआ क्या, हम आए तो 5 मिनट रुके यहाँ पे, बस उसी बात सबको यहाँ ही गए, बड़ा भरोसा का सामान फेंका, हमें मारा भी। आपको ही मारा? हाँ, पहले कुर्सी में लात मारा, उन्हीं को मारा, बाद में आया तो पुलिस वाले के लिए इतनी गाली पकड़ी। आपने बदाका ने क्या कहा? बदाका बता रही है कि पुलिस ने आते ही ताबड़तोड़ अफरा तफरी मचा दी, और जूते की नोक का निशान देखकर तो पुलिस नामक पवित्र संस्थान के उस वर्दी के कृत्य का बखान या निशान बखूबी कर रहा है। महिलाओं पर पुलिसकर्मी का, पुरुष पुलिसकर्मी का यह कृत्य यह बताता है कि आज भी सूबे में ऐसे पुलिसकर्मी कायम हैं जो अपनी वर्दी का दुरुपयोग सरेआम आम गरीब पर कर रहे हैं। अच्छा। पैर की। जूते की नोक। हाँ, दरोगा की। वो दरोगा जब हमने मारा था, हम मूर्छा हमारे जब आ गया तो हम भाग के बाहर आए, तो कैमरा बनवाओ, फोटो खींचो और थाने आएंगे। ये पुलिस वाले ने आप लोगों से कोई आप लोगों की तरफ से कुछ नहीं? हमारे पास कुछ नहीं, हम लोग साहब साहब का पेड़ है, हमका का पता कर रहे हो, कहने भी ये कर रहे हो, हमका का मालूम। यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी हैं आसपास के, हम उनसे बात करते हैं कि उस दिन हुआ तो क्या। मैं कैमरा पर्सन से कहूँ नजदीक आने के लिए, यहाँ पे हुआ क्या था? माता जी, आप वो जहाँ घर में आप तो हम वही घर में रहे थे, मकान में हमका डॉक्टर पहले दिए बताओ, तो हम पहले जब निकले वहाँ 2 बजे करीब,
तो चिल्लाहटो जब सुना हम तो हम बच्चा ऊंचे पर पक्का आएंगे यह डंडा लेकर, तो हम कहा जब चिल्लाने के अरे पुलिस वाले मन तो हम बोले हाथ छाड़े चला जा रहा औरतन के पुलिस वाला है, इतने हम जाते रहे गाड़ी से नहीं वहां से सब जने उतर के आए, हम कहा घेर ले, कहीं तेरा आदमी का नाम बता, हम कहा मेरा आदमी स्वर्ग गया 40 वर्ष हो चुकी है, सिविलियन की मेहरियन का घुस घुस अंदर मार है, और जो पुलिस वाले हो गया थाने आई हो तुम्हारा काटर इस तरह की बातें उन्होंने हाँ? आप तो यही पास में रहती है, आप थी उस दिन जब घटना हुई? एक्चुअल में हम थे नहीं, मगर ये इसकी जानकारी हमें मिली और बहुत हमें कष्ट भी है कि हम उस समय नहीं थे, क्योंकि महिलाओं के साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। उस दिन जिस दिन ये आपके घर पर कुछ लोग आए थे ऐसा यहाँ के लोग, उस दिन क्या हुआ कैसी घटना? वो हम घर पे थे सुबह, उन्होंने 6:30 बजे हमको घर लिया, घर में बोला अगर नहीं खाली करोगे तो मारपीट से तुम लोग खाली करोगे, उसने में सामान हमारा रखा था तो उन्होंने चादर दर सब गिरा दी। ये इनका मकान, इनका किसका? आनंद राम का। आनंद राम जी का। हाँ। उसमें आप किराए पर रहे? किराए पर। कितने साल से आप किराए? हम 12 साल से उसमें रह रहे हैं। लगातार किराए दे रहे हैं। अब जब वो जो लोग उन्होंने खाली कराया उसके बाद मकान तोड़ दिया, तोड़ने पर आप लोगों को रोकने का नहीं, तो हमने बोला कि हमारे मकान मालिक का है, तो बोलता हम किसी मकान मालिक को नहीं जानते, यहाँ से निकलो खाली करो, इस तरह की शब्द। हाँ, सर के शब्द बोला, आदमी ने बोला। हम उपस्थित थे इस समय खरिका वार्ड द्वितीय में, उनके यहाँ के स्थानीय पार्षद है मुन्ना लाल पुरे। हम बात करते हैं इस पूरी घटना पर मुन्ना लाल पुरे से। मुन्ना जी, यहाँ पर जब घटना हुई महिलाओं को मारा गया पुलिस द्वारा एक फ्लैट में घुसकर, अनंत राम जी का वो फ्लैट था ऐसा बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा, महिलाओं को मारा गया पुलिस वालों की तरह, वो भी पुरुष स्थिति में वहां के पुलिस वाले ने, क्या कहना है आपका? ये प्रकरण तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि चौकी इंचार्ज अरुण चतुर्वेदी जी इस तरह की गलती कैसे करते हैं? अगर कोई दोषी महिला थी या पुरुष थे तो इनको साथ में जो है महिला पुलिस को भी लाना चाहिए था, और मारपीट इनको नहीं करनी चाहिए पुरुष खास लोगों को, इन्होंने जो किया है उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। और आपके संज्ञान में जब आया आपके द्वारा क्या उसके कुछ कार्रवाई हुई? हमारे संज्ञान में बहुत देर में आया क्योंकि मेरे भाई की शादी थी, हमारी मुलाकात इनसे अनंत राम बाबू जी से नहीं हो पाई, काफी देर में हुई, तो जो इन्होंने बताया कि जो है इसमें कार्रवाई हमने कर दिया है, तो फिर हमने कहा ठीक है कार्रवाई अगर कर दिया है उनको चौकी पुलिस को इंस्पेक्टर साहब को अगर बुलाया गया है अदालत में तो उस प्रकरण को जो है आप देखिए। इस जमीन को लेकर आपका क्या कहना है, क्या अनंत राम जी की भूमि है स्वामित्व ये है? तो अनंत राम जी के स्वामित्व में आम रिकॉर्ड उस पे जो जिस भी व्यक्ति ने खरीदा है उस संज्ञान में भी वो भी बात आई है, इनकी तबीयत खराब थी मानसिक रूप से जो बहुत परेशान थे, इनका इलाज भी चल रहा था मानसिक बीमारी का, उसी पीरियड में दवा लेने के बहाने इसे जो है रजिस्ट्री करवा दी थी, ये बहुत गलत है। राजस्व का मामला 400 बीसी उसमें क्या है, 400 बीसी का प्रकरण है, ये मैं मांग करता हूँ कि ये रजिस्ट्री रद्द होनी चाहिए, अगर उनको वास्तविकता में जरूरत है उस फ्लैट की तो उनसे आज के समय में पैसा दे करके उनसे अगर फिर भी दयाशंकर और मिथिलेश जबरन करते उस पर आप अगर जबरन करते हैं तो ये कानूनी विवाद चल रहा है, हमारे जहां पर सहायता होगी किसान यूनियन के माध्यम से हम लोग सहायता देंगे। पूरा मामला कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है उस सूबे की सरकार के प्रशासन पर, जो कहीं न कहीं आम गरीब किसान को ये बताता है कि वो महफूज है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि वो महफूज वाली बात आखिर अनंत राम के लिए धरातल पर आएगी। कब मिलेगा अनंत राम को इंसाफ और अनंत राम के परिवार को इंसाफ, कब तक इन महिलाओं के साथ अब अत्याचार नहीं, पुलिस वाले और महिलाओं पर हाथ नहीं छोड़ेंगे, ये देखने आज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट एंटी करप्शन।